वेन्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ निकाला, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक बॉडी लें जिसका कोई टेम्परेचर है, मान लो 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, कुछ भी, तो वो बॉडी अपने अंदर से अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ एनर्जी को क्या करेगी? एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। और ये लॉ लिखा गया था फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर एनी बॉडी को तो बाद में कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो स्टीफन ने भी यही कहा था कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर टी है तो वो बॉडी अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एमिट करेगी। लेकिन उसने एक और भी चीज कही, वेन ने एक स्टेप और एक्स्ट्रा बोला कि स्टीफन ने बिल्कुल ठीक कहा, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एमिट होगी। इसने क्या किया, कितनी एनर्जी एमिट होगी इसका ग्राफ प्लॉट किया, और जो एनर्जी बाहर छोड़ रही है बॉडी, एमिट हो रही है, उसकी वेवलेंथ को स्टडी किया कि जो एनर्जी बाहर छोड़ेगी वो बॉडी, उसकी कोई वेवलेंथ भी तो होती होगी। तो मान लो गर्म बॉडी है, गर्म बॉडी इतनी गर्म है कि लाल रंग की दिख रही है, कोयले की तरह लाल चमक चमक रही है, रेड कलर बॉडी है, इतनी गर्म है, बहुत सेक मारेगी, उसमें रेडिएशन निकलेगी, उसकी कोई वेवलेंथ होगी। फिर आपने उसको जब ठंडा होने दिया कि वो एनर्जी कैसे कम करेगी और उसकी वेवलेंथ कैसे चेंज होगी, ये ग्राफ में प्लॉट किया गया। ऐसे मान लो आपने एक बॉडी को 998 केल्विन पे लिया और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 998 करके छोड़ दिया, अब वो क्या करेगी, अपने अंदर से एनर्जी को बाहर फेंकेगी। तो रूल नंबर वन, ये ग्राफ है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ग्राफ है। तो मान लो ये बॉडी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 998 केल्विन है, और ये वाई एक्सिस में एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये गर्म बॉडी अपने अंदर से एनर्जी फेंकेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और एनर्जी जो बाहर फेंकेगी उसकी कोई वेवलेंथ भी होगी। तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया, उसने कहा कि ऐसा ग्राफ आएगा कि जब आप टेम्परेचर 998 करके छोड़ेंगे तो बॉडी ने एनर्जी को बाहर फेंकना है। तो इतनी एनर्जी बाहर फेंक रही है बॉडी, यहां से स्टार्ट हुई एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और मैक्सिमम हो गई। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। तो यानी कि जब एक बॉडी को गर्म करके छोड़ दिया तो एनर्जी की वैल्यू क्या हुई? मैक्सिमम हुई। पहले कम छोड़ेगी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर पीक मैक्सिमम। उसके बाद क्या करेगी वो बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होगा ऑब्वियसली, तो क्या होगा, वो एनर्जी कम 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 करती जाएगी। तो पहले वो एनर्जी कम छोड़ेगी, फिर मैक्स करेगी और फिर कम हो जाएगी। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। और जब उससे ये पूछा गया कि जो एनर्जी बाहर फेंक रही है बॉडी, एमिट कर रही है, उसकी वेवलेंथ का क्या है, वो कह रहा है वेवलेंथ को जब डिस्कस किया गया तो वेवलेंथ बढ़ती 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 ही गई। वेवलेंथ कॉन्टिन्यूस है और एनर्जी पहले कम है, फिर मैक्स है और फिर कम है, ये ग्राफ बनाया गया। फिर उसे कहा गया वेन्स को कि चल एक काम कर, इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर दे, 1095 कर दे और बढ़ा दे। तो उसने कहा ठीक है, फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर से इस टेम्परेचर पे एनर्जी पहले कम थी, फिर मैक्स हो गई और फिर कम होके कम हो गई, और वेवलेंथ इस केस में भी इंक्रीज ही होती गई। उसे कहा कि टेम्परेचर बढ़ा दे। हर बार उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर हाइट अटेन करता गया, क्योंकि जितनी ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू होगी एनर्जी एमिटेड भी उतनी ज्यादा होगी, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता गया। लेकिन बेसिक पैटर्न रिमेन्स सेम, पहले एनर्जी कम, फिर मैक्स, फिर कम, एनर्जी कम, मैक्स कम। अब इसमें खास बात यह थी कि जब 998 कम टेम्परेचर है तो उसका मैक्स इस वेवलेंथ पे आया। मान लो ये वेवलेंथ है लैम्डा एम, इस वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, लैम्डा एम, एम का मतलब जब एनर्जी उसने बाहर फेंकी थी मैक्सिमम, तो ये वो लैम्डा की वैल्यू है जब एनर्जी मैक्सिमम है। और जब टेम्परेचर बढ़ाया गया बॉडी का तो उसे कहा कि अब कितनी वेवलेंथ पे एनर्जी मैक्स है, उसने कहा इतनी वेवलेंथ पे एनर्जी मैक्स है। जब कहा कि और टेम्परेचर बढ़ा तो इतनी एनर्जी पे इस वैल्यू पर लैम्डा मैक्स है, जब टेम्परेचर और बढ़ा तो इस वैल्यू पे एनर्जी मैक्स है। तो नोट करने वाली चीज है कि जो पीक की वैल्यू है, पीक देख रहे हो इसकी बाद में आई, इसकी पहले 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 और पहले। तो जितना टेम्परेचर हाई कर रहे हो मैक्सिमम वैल्यू वो पहले रिलीज कर रही है। लो टेम्परेचर पे मैक्स लेट आता है और हाई टेम्परेचर पे मैक्स जल्दी आता है। तो ये पीक्स डिस्प्लेस हो रही हैं, इसलिए इसका नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसने ये कहा कि हायर द टेम्परेचर, टेम्परेचर यहां पर बहुत हाई है, तो कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली गई, और ऐसी अगर टेम्परेचर लो है तो थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ऑफ लैम्डा पे पीक अचीव कर ली गई। फिर टेम्परेचर और लो है, लैम्डा एम लेट आएगा, लैम्डा एम लेट आएगा। मतलब अगर आपका टेम्परेचर बड़ा है
पीक वैल्यू छोटी वैल्यू पे अचीव कर ली जाएगी, यानी कि उसने कहा कि किसी भी बॉडी के लिए लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर होगा पीक वैल्यू कम छोटी वैल्यू ऑफ लैम्डा पे अचीव हो जाएगी। तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट और वेन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 2.9 × 10⁻³, ये याद करनी है। तो इसको बॉक्स में डालना है, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। ये बड़ी कमाल की चीज है, स्टीफन ने कहा था कि आप मुझे एक बॉडी की ई की वैल्यू दें, यानी कि एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया की वैल्यू दें, मैं आपको टेम्परेचर निकाल के दे सकता हूं, ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। वेन्स ने कहा आप मुझे एनर्जी मत दें, उस एनर्जी की वेवलेंथ दे दें, वो वेवलेंथ दे जब एनर्जी मैक्स है। तो अगर आप मुझे लैम्डा एम दे देंगे जब एनर्जी मैक्स है तो मैं भी टी की वैल्यू दे सकता हूं। दोनों के दोनों लॉज आपको टेम्परेचर ऑफ द बॉडी निकाल के देंगे, लेकिन निकालने का तरीका डिफरेंट है, एक ई से देता है और एक लैम्डा एम की वैल्यू से देगा। तो ये लॉ ये बताता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जब वो उसने बाहर की तरफ रेडिएशन निकाला, जब एनर्जी जो बाहर फेंकी वो क्या थी, मैक्स। तो लैम्डा एम वो वेवलेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट याद रखने। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब एक लोहे के पीस को गर्म करते हैं बाय अ हॉट फ्लेम, इट्स कलर फर्स्ट बिकम डल रेड, पहले वो एकदम डल रेड हो जाता है गर्म होके, फिर रेडिश येलो हो जाता है और फाइनली व्हाइट हो जाता है। ये कलर क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ एमिटेड क्या हो रही है, चेंज। तो वो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन फेंक रहे हैं इसलिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एमिशन ऑफ एनर्जी मैक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर वेवलेंथ। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा लैम्डा एम की वैल्यू छोटी होगी तो कलर वहां से क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, तो वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम का मतलब कि कलेक्शन ऑफ एनर्जीज। ऐसा नहीं है कि एक ही एनर्जी की रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन एनर्जी हर वक्त क्या हो रही है, चेंज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की। तो इन कलेक्शन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। हर वेवलेंथ की इसमें एनर्जी आ रही है, हर एनर्जी की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अलग वेवलेंथ है। अब वो कह रहे हैं कि इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन आया, तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया वर्सेस लैम्डा के। पहला लॉ, पहला रूल ये बोलता है, एट ईच टेम्परेचर अ ब्लैक बॉडी एमिट्स कॉन्टिन्यूस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम, किसी भी एक टेम्परेचर पर कॉन्टिन्यूस हीट स्पेक्ट्रम है, और एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल वेवलेंथ, हर वेवलेंथ वेवलेंथ चेंज हो रही है, एनर्जी की वैल्यू कभी कम है फिर ज्यादा है फिर कम है, इक्वल एनर्जीज नहीं है हर वेवलेंथ की। नेक्स्ट है, एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वो कह रहा है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ते ये ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा और ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी बॉडी। एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज द एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेस reaches max for a particular wavelength and then decreases, बता दिया कि पहले ये एनर्जी मैक्स होगी, कम से ज्यादा होगी और फिर कम हो जाएगी। The wavelength lambda m of a maximum emission shift towards the lower wavelength side as the temperature of the black body increases. तो lambda into t is a constant हमने कर लिया, और ये नहीं हमने किया, area under the graph, इसका area हमें क्या देगा, इसमें ये graph मान लो बन गया किसी body के लिए इस temperature पे, इसका एरिया अगर हम निकालें तो ये एरिया हमें देगा किसी बॉडी ने कितनी एनर्जी एमिट की पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसकी वैल्यू हमें देगा। तो इसके अंदर जो ये एरिया होगा वो क्या दे रहा है, एरिया रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ई एमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू पावर 4। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ई की वैल्यू भी बढ़ रही है, और कैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर रेज टू पावर 4, इसमें से स्टीफन लॉ भी बाहर आ गया, स्टीफन लॉ भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, दोनों लॉज इकट्ठे चल रहे हैं इसका मतलब। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स आर यूनिवर्सल, दे डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो शेप से लेना देना नहीं है, हर टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा ही बनना है, शेप और साइज का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। इसके बेस पे दो पेज छोड़ के आपको ये भी एक फिर से कंक्लूजन एक और गिवन है, पर ये करने की जरूरत नहीं है, जब वैसे पढ़ देता हूं शीट लिख दी तो इसमें सेम कहीं और बुक से लिखे हुए कंक्लूजन है, वो ये कि
यहाँ पर बेसिकली क्या है, रेडिएशन एमिटेड बाई अ बॉडी एट टेम्परेचर 300 केल्विन हैज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेवलेंथ अराउंड 9550 नैनोमीटर विच इज अ लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। कह रहे जब बॉडी का टेम्परेचर 300 केल्विन होता है तो 300 केल्विन पे खास मतलब है, इसका खास मतलब यह है कि 300 केल्विन पे बॉडी जो एनर्जी बाहर एमिट करेगी वो सेक होगा, सेक का मतलब इंफ्रा रेड रीजन को मैच करता है। फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया 1100 केल्विन तो रेडिएशन हैज अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेड रीजन ऑफ वेवलेंथ, तो रेड कलर की बॉडी दिखेगी और लाल रंग की वेवलेंथ के साथ मैच करेगी आपकी एनर्जी। फिर उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर 3000 केल्विन कर दिया तो इसके अंदर शॉर्टर वेवलेंथ आ जाएंगी, शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी आ जाएगी और कलर कैसा हो जाएगा बॉडी का, वाइट हो जाएगा। ऑप्शनल है, करने की जरूरत नहीं, वो वाला टॉपिक ज़्यादा बेटर था जो अभी हमने किया, ये सारा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ये तीन चार न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है।